नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक यूपीएस बनाया गया है जो कि 2000 mAh मतलब 2 एम्पीयर का है, वाईफाई राउटर के लिए, जो कि एक फुली कस्टमाइज है, ऑर्डर की डिमांड पे बनाया गया। अगर आप भी इस टाइप का कोई राउटर बनवाना चाहते हो काफ़ी अच्छे प्राइस में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। साथ ही अगर आप ऑर्डर दोगे और आपका जब भी राउटर बनाया जाएगा राउटर के लिए यूपीएस, तो इसी टाइप से वीडियो भी डाली जाएगी। इस यूपीएस को बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए सेल। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल हुगली क्वालिटी का, हुगली कंपनी का और ब्रांड न्यू 2000 mAh ओरिजिनल सेल ले रहा हूँ, जो कि 3 पीस है। उसके बाद 6 पीस यहाँ पे स्पेसर, साथ ही एक स्मार्ट बीएमएस। स्मार्ट बीएमएस इसमें जो है ओवर चार्ज, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देगा। कनेक्शन के लिए यहाँ पे निकल स्ट्रिप हो गई। यहाँ पे जो सेल है ना फ्रेंड्स, मैंने इसको एक बार चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज किया और फिर चार्ज किया है, ताकि इसकी टेस्टिंग हो जाए। आप देख सकते हो कि सभी का वोल्ट अराउंड 4.2 आ रहा है, तो ये 4.2 पे मैंने सेट कर लिया सेल, जो मिलके 12.6 हमें देंगे फाइनल आउटपुट। सबसे पहले हमें बैटरी का बेस बनाना होगा, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, 3 ऊपर के लिए और 3 नीचे के लिए। ये दोनों साइड बैटरी के लगेगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही बैटरी हैं। उसके बाद हमें जो बैटरी को सीरीज़ के लिए फिट करना है, यानी एक को ऊपर, एक को नीचे, फिर एक को ऊपर, फिर इसके बाद मैं इस पर ग्राइंडिंग करूँगा। ग्राइंडिंग करने का जो फ़ायदा रहता है कि सोल्डरिंग जो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम टाइम में हो जाती है, तो अपनी बैटरी है जो ज़्यादा देर गर्म नहीं रहती। यहाँ पे फ्लक्स लगा लेंगे, आपके पास कोई भी फ्लक्स हो आप लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल फ्लक्स लगा लेता हूँ। फ्लक्स लगने के बाद जो है इस पर हम करेंगे शोल्डरिंग, और जो मैं यहाँ पे शोल्डर आयरन और वायर यूज़ करूँगा वो भारती का शोल्डर वायर और सिरोन का 60 वोल्ट का शोल्डर आयरन यूज़ करूँगा। बैटरी के जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, मैं सब पे बारी बारी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ना कनेक्शन करने होंगे, यानी पहली बैटरी का पॉजिटिव हमें छोड़ना होगा और दूसरी बैटरी के नेगेटिव और तीसरी बैटरी के पॉजिटिव को हमें एक पास करना होगा। तो हम जब इस टाइप से कनेक्शन करेंगे, तो जो हमारे ये कनेक्शन होंगे ये सीरीज़ कनेक्शन होंगे, और सीरीज़ कनेक्शन में जो हमेशा वोल्टेज जुड़ता है, और हमारा जो है 4 वोल्ट का एक सेल है, तो तीनों सेल का जब जोड़ेगा तो अराउंड 12 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीनों सेल जुड़ चुके हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक बीएमएस फिट कर लेता हूँ, ये बीएमएस हो गया, बीएमएस को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। बीएमएस को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे करने होंगे बीएमएस के कनेक्शन। तो बीएमएस पे सारे कनेक्शन लिखे होते हैं, जैसे कि बी प्लस यानी कि बैटरी का पॉजिटिव हो गया, और B1 और B2 हो गए, यानी पहली और दूसरी बैटरी जहाँ पे कनेक्टेड है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये B2 हो गया, और B3 यानी तीसरी और दूसरी जहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है वहाँ पे जाएगा, और बी माइनस होता है बैटरी के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव वायर हमारा वहाँ पे चला जाएगा। अगर आप भी बनाना चाहते हो खुद से इस टाइप की बैटरी, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। सारी डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करा दूँगा, हमारे मार्ट पे सारा सामान अवेलेबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है बैटरी बन के कम्प्लीट है, इसमें 12.43 वोल्ट बन के एकदम रेडी है। अब यहाँ पर मैं 4 वायर लगा लेता हूँ, 2 होंगे इसमें जो इनपुट के और 2 होंगे आउटपुट के, तो मैं यहाँ पर 4 वायर इसमें लगाऊंगा, ठीक है, जो कि एकदम अच्छी क्वालिटी के मैंने यहाँ पे वायर लगाए। आप देख सकते हो 4 वायर रेडी हैं। अब इसके बाद जो है मैं इस पर स्लीप वगैरह चढ़ाऊँगा यहाँ पे, तो दोनों वायर पे मैं स्लीप चढ़ा लेता हूँ, और इसके बाद हमें कनेक्टर फिट करने होंगे। तो मैं कनेक्टर आपको बाद में फिट करके दिखाऊंगा, पहले इसको कवर करेंगे बैटरी को प्रॉपर तरीके से। फ्रेंड्स, इस बैटरी में जितना भी सामान लग रहा है ना, ये सारा सामान हमारे मार्ट पे स्टोर पे जो है लिस्टिंग है, मतलब हमारा जो मार्ट है उस पर बैटरी से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। अगर आप खुद से भी बनाना चाहते हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी खरीद सकते हो, काफ़ी चीप प्राइस में ये सारा सामान रॉ मटेरियल जो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टाई लगा के वायर को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद मैं इस पर फोम या थर्माकोल चढ़ा देता हूँ इस टाइप से, जिससे कि बैटरी को प्रोटेक्शन रहेगा। अगर बैटरी आपके हाथ से छूट जाए या गिर जाए तो टूटेगी नहीं। और इसमें जो वायर मैंने निकाली, इसमें हमें कनेक्टर फिट करने होंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इस पर जो है कार्डबोर्ड लगा देता हूँ दोनों साइड से। कार्डबोर्ड लगने के बाद मैं इस पर चढ़ाऊँगा स्लीप, जो कि होगी 170-180 mm, जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं स्लीप चढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये हीट सिंक स्लीप होती है, या इसको बस बार भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 170 mm की ये स्लीप यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और ये हमें 2 साइड से चढ़ानी होगी, यानी ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। इससे क्या होगा कि अपनी बैटरी है वो सारे टाइप से, सारी तरफ से जो है कवर हो जाएगी प्रॉपर। तो यहाँ पर मैं एक साइड से चढ़ा लिया हूँ, और मैं दूसरी साइड से इसको चढ़ाऊँगा। इसको चढ़ाना बहुत ही आसान है। इसको चढ़ाने के बाद सिर्फ आपको हॉट एयर गन से इसको गर्म करना है, और ये ऑटोमेटिकली लेमिनेशन की तरह चिपक जाती है, टाइट हो जाती है। यहाँ पे ये प्रॉपर बन के कम्प्लीट है। मैंने इसको जो है फिनिशिंग दे दी है, एक्स्ट्रा पट्टे जो उसको कट कर दिया। यहाँ पे जो ये वायर देख रहे हो, यहाँ पे मैं कनेक्टर फिट करूँगा मेल और फीमेल,
तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो ये इजीली फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों कनेक्टर्स को फिट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में कट लगा दिया है मैंने। अब यहाँ पे ये यूपीएस है जो बन के रेडी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो पिन निकली हुई हैं, और ये एक पिन जो है आपके राउटर में चली जाएगी, और एक पिन जो फीमेल सॉकेट आप देख रहे हो वो आपके जो है यूपीएस या उसको चार्जिंग के लिए जो आपका एडिप्टर से आएगा वो इसमें लग जाएगा, और इसका पिन आपके राउटर में चला जाएगा। इस टाइप से ये वर्क करेगा, जैसे ही लाइट जाएगी तो एनर्जी जो है इससे सप्लाई होती रहेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, और चैनल न्यूज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।